सब बढ़िया तो है। एक बात बताओ, आपको शर्म नहीं आती है? कौन सी बात शर्म नहीं आती आपको? क्यों, किस बात? इधर आओ, इधर इधर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बड़े होकर बड़े रहना। सो गाइस, बज रहे अभी सुबह की 6 और मैं जा रहा हूँ बस पोर्ट। अक्रम भाई आ जाए नहीं, क्योंकि उनको मैंने एक फ़ोन तो किया था लेकिन अक्रम भाई ने फ़ोन उठाया नहीं। और बस आ गई आज, वैसे बस है जल्द, ठीक है, मतलब आज थोड़ी जल्दी आ गई है, समझ लो 15-20 मिनट जल्दी आ गई है। तो इसीलिए जो है रेहन भाई का इन लोग का फ़ोन आ रहा था कि भाई आप कहाँ पर हो, क्या है, अब जल्दी आ जाओ फटफट, क्योंकि बस आ रही है। तो इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। लेकिन अक्रम भाई आई थिंक सो रहे थे, क्योंकि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है ना, फ़ोन वगैरह उठाया नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब नहीं आना होगा, बट कोई ना, चलते हैं आगे और मिलते हैं। आज फाइनली पहुँच गए थे कॉलेज में, और कॉलेज में पहुँचने के बाद कौन मिला हमें? वो सब किधर है? गुड मॉर्निंग। और सब किधर है? कौन कौन आ रहा है? कृपाल सब, सब लोग। और तुम अकेले आते हो? मैं अकेला ही आता हूँ। अभी हमारे वर्णित भाई जो अकेले आते हैं। और अरे तुम्हें अपना कल का वो थंबनेल लिखा था, उन्हें कल का थंबनेल जो फोटो लगाया था मैंने, उन लोग से नहीं पूछना है, मैं आपसे पूछूंगा। अगर आपको ठीक लगेगा तो चेंज कर देंगे, अगर नहीं ठीक लगे, नहीं, अगर ठीक लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं ठीक लगे तो चेंज कर देंगे। नहीं, अब ये साथ फोटो खींचे उसने, मेरे को जो सही लगा वो मैंने लगा दिया। आपको सही लगे वही लगाऊंगा, वो देख ले तब कौन सा सही है कौन सा गलत है, अब तुम बता देना। क्योंकि कृपाल तो बोला था कि हमें पूछना नहीं, आपको जो ठीक लगे वो लगा देना। सही होता है ना? कैसा? तुमको जैसा पसंद है वो लगा सकते। अब वो बोलेंगे कि भाई ये थंबनेल अच्छा नहीं है, वो है ये। चलो ये उमेश का, कृपाल का, इन सब का तो टेंशन नहीं है। और सुमित भी बोल रहा था कल के मैं नहीं आऊँगा, ये वो सब अजीत भी आने वाला था। अब गलत काम थोड़ी नहीं कर रहे, ब्लॉक कर रहे हैं सीधी सी बात। अब वो होता है कि एक क्या बोलते इसको, कि अगर तुम्हें मैं वायरल कर रहा हूँ कुछ ऐसी क्लिप है, या तो तुम अगर कॉलेज से बंक वगैरह मार रहे हो और मैं तुम्हारा ब्लॉग बना रहा हूँ तो बात अलग है ना। अब ऐसा बात जाना प्रैक्टिस में अच्छी तरह, फंक्शन प्रैक्टिस का कोई भी आ जाता है। अच्छा, अभी एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है ना गाइस? एक्चुअली ऐसा है कि एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, तो इसीलिए मतलब जिसका भी लेक्चर आता है, जो भी फ्री होता है, वो लेक्चर लेने आ जाता है। आज भाई साहब उमेश गया काम से, आज काम से गया। अब देखो मैं उसको चिल रहा था, पहले प्यार से बताऊँगा आराम से। हाँ उमेश, हाँ बर्थडे आपका? सॉरी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैं नहीं मांग रहा भाई, मैं नहीं मांग रहा। अगर आप दे रहे हो ना, अगर आपको पार्टी देनी है, एक चॉकलेट खिला देना तो भाई। सिचुएशन ये उम्मीद सिचुएशन समझता ही नहीं है, खाली पार्टी पार्टी करता है, खाली पार्टी करता है, सिचुएशन तो समझता ही नहीं है उम्मीद। गलत बात है। कितने का? ज्यादा का नहीं करा ये तो। और तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? बंदे को अकेले खड़े करवा के जाते हो, तुम जल्दी जल्दी बुला लेते हो, फिर खुद लेट आते हो। नहीं, मैंने इसको फोन ही नहीं किया था। किसको? इसको मेरा फोन ही नहीं। लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए, ये दोनों तो चलो इनका तो नहीं बोलता मैं कुछ, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए। मैं खुद ले जाता हूँ, मैं क्या? वर्णित भाई गलत हो रहा है वो ये सब। अब एक काम करते हैं, जो कौन कृपाल आया ही नहीं है, आया ही नहीं है, मैं ऊपर राउंड मार के आया हूँ, खाली गर्ल्स बैठी है, तो फिर मैं अकेले अकेले क्या करता? और सब बढ़िया। अब कृपाल भाई मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस में, इसलिए कृपाल भाई को तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मिलते हैं मेरे को, जैसे मतलब कॉलेज से निकलने के बाद अगर मिलते आज उनकी बारी है। सुबह सुबह में आधे लोग उधर और आधे लोग इधर, और एक भाई साहब आ रहा। कृपाल भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। और कैसे हो? सब बढ़िया तो है। एक बात बताओ, आपको शर्म नहीं आती है? कौन सी बात शर्म नहीं आती आपको? क्यों, किस बात? इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। अब कृपाल भाई की बारी है। अब ये तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस बात बंदे को अकेले अकेले छोड़ के जाते हो, गलत हो रहा है कि नहीं बंदे के साथ?
मैं चल बच्चा थोड़ी ना है, मैं तुम्हारी साइड ले रहा, तुम उसकी साइड ले रहे यार। चलो चलो भाई, ना ना गलत हो रहा भाई। मैं तो सोचा कि की कृपल भाई को गलत है, लेकिन अब वो नहीं समझ रहे तो मैं क्या। देख रहे इसकी उंगली ले क्या यार, अब मार खाते खाते तू बचेगा, बच गया तो समझ लेने, तो आज भी मार खाता हमारा। वो देखो ओए, कल क्या एक जोर से लाखों मारा था, पूरा हिल गया था। हर रोज मारते ना बेटा, तो कभी कभी खाना पड़ता है। बहुत मार खाएगा आजकल। और क्या बोलते उदय भाई, सब बढ़िया? ओ देवांग भाई कैसा, सब बढ़िया? बढ़िया फिर तो कोई भाई नहीं है, ध्रुव भाई। सॉरी ध्रुव भाई, अरे एक कैटेगरी मतलब तीन चार है ऐसे बंदे, तो इसीलिए कन्फ्यूज हो जाता। और रक्षित चलो फिर, तुम्हें तो लेक्चर बनने, तुम तो जा रहे हो ना प्रैक्टिस? मैं भी जा रहा प्रैक्टिस में जा रहा मैं भी। कोई ना, आप चलते प्रैक्टिस में, मिलते आपको प्रैक्टिस के बाद। तो गाइस प्रैक्टिस हो चुकी है ख़त्म, और अब मैं जा रहा हूँ बस कोर्ट, क्योंकि और कुछ तो काम है नहीं अभी, जाना सीधा दुकान वगैरह का भी काम नहीं है, और कॉलेज का भी जो है सब कुछ हो चुका था कंप्लीट। तो अब जाना है बस कोर्ट भाई साहब, लेकिन धूप यार सुबह में देखने जाए तो सुबह में आपको मिलता है ठंड, और दोपहर में, दोपहर से शाम तक के मिलती है धूप और गर्मी, और रात में मिलती है वापस से ठंड। ठीक है, दो सीज़न एक साथ हो चुकी है ना, तो इसीलिए थकान भूख सब कुछ एक साथ लगता है सुबह में। हालांकि मैं नाश्ता पेट भर जाता हूँ, लेकिन फिर भी हो जाती है, भूख लग जाती है, मतलब भूख लगती ही लगती है। ठीक है, कोई ना यार, चलते हैं बस स्पॉट और देखते हैं कौन कौन है आज मिलने वाला। बाकी असद वगैरह बोलते रहे थे कि हाँ वो जल्दी आ जाएंगे, तो उनको भी फ़ोन करना है और देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो भाई ना चलते हैं बस स्पॉट, मिलते हैं आपको सीधा बस स्पॉट पे। तो गाइस अब आ गए हैं बस स्पॉट, और देखते कौन सी बस है, क्योंकि 1:30 बजे वाली एक बस थी वो आई थिंक सब चली गई होगी, पहुँचने में लेट हो गया यार। तो अब देखते कौन सी बस मिलेगी हमें और कौन सी जाएगी चोटीला। ठीक है, तो वो सारा कुछ सिलेक्ट करना है, देखना है क्या है क्या नहीं। कोई ना, चलते चलो, कोई ना, मिलते आपको कल आराम से। ओके भाई भाई, और ये आपका ब्लूटूथ। चलो मैं अभी कह रहा, चलो कोई ना, चलते मिलते आपको कल। ठीक है, बाय। आज बज रहे अभी दोपहर के 3:30, और मैं आ गया था गांव के बस स्पॉट पे, है ना। आज लेट हो गया, नहीं तो मैं अभी तक घर पहुंच गया होता, लेकिन लेट होने का रीज़न ये है कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। जैसे मतलब मेरे गांव से थोड़ा बहुत दूर जो है पहाड़ी इलाका है, तो उसको ना मतलब 3x3 का लेन बना रहे अभी, मतलब 6 का पूरा लेन हो जाएगा, है ना। तो इसी वजह से जो है ट्रैफिक वगैरह था, और इसी वजह से जो है मैं रुका हुआ था और मुझे आने में लेट हो गया, है ना। बट कोई ना यार, अब लेन बन ही रहा है तो अच्छी बात है हमारे लिए भी। तो कोई ना, अब चलते हैं घर, मिलते हैं आपको सीधा घर पे। तो गाइस बज रहे अभी रात के 9:30, और मैं आ गया था टेरिस पे, खाना पीना हो चुका है कंप्लीट, और आज की प्रैक्टिस भी हो चुकी है कंप्लीट। कॉलेज से आने के बाद भाई साहब थकान नेक्स्ट लेवल लगी थी, तो आके खाना खा के फिर सो गया था मस्त। तो कोई ना यार, आज के लिए इतने होप सकते कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं इसी मेरे ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।